नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो में मैं SD जावा का मेंटेनेंस के बारे में बताऊंगा। पहले केबल और लीवर्स के बारे में बताऊंगा। एक क्लच एंड फ्रंट ब्रेक लीवर में लीवर के बीच में हम ग्रीस से इसका लुब्रिकेशन कर सकते हैं, इसके बीच में ग्रीस लगा के। और अगर केबल को लुब्रिकेट करने के लिए जो केबल की अंदर दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पे ऑयल लगा के केबल का लुब्रिकेशन भी कर सकते, सेम टू सेम इसमें भी कर सकते, ये लीवर पे भी कर सकते। और उसके बाद यहाँ पे रियर ब्रेक का, पीछे वाला ब्रेक का केबल पे भी आप ग्रीस और ऑयल लगा सकते। अगर ब्रेक कैम के ऊपर ऑयल लगाना है तो बहुत कम लगाइए, अगर अंदर गए तो ब्रेक नहीं गिर, अगर ठीक से ब्रेक नहीं पकड़ेगा। ये सामने वाला ब्रेक कैम्स है ना, जावा में तो सिंगल आएगा, क्लासिक में डबल, क्लासिक और रोड किंग डिलक्स में डबल आ जाएगा। यहाँ पे हम ग्रीस लगा सकते, लेकिन यहाँ पे ग्रीस अप्लाई नहीं कर सकते हम, यहाँ पे सिर्फ एक बूंद ऑयल डाले तो बस है। यहाँ पे एक बूंद और यहाँ पे एक बूंद, खाली देखो एक ही बूंद डालना है, और ज़्यादा डाले तो अंदर जाएगा, नीचे जाके अंदर जाएगा। और इसके बाद ये मेन चेन है, एक क्लच असेंबली है, और ये कैम है, यहाँ पे भी लुब्रिकेट करना ज़रूरी है। ये ज़्यादातर मैकेनिकों ने ये पूरा क्लच असेंबली पे ग्रीस लगा के इसको ब्लॉक कर दिया। ऐसा करें तो एक बार तो ग्रीस अंदर जाएगा, उसके बाद हम लुब्रिकेट नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे ग्रीस मत रखना, खाली यहाँ पे ऑयल डाले तो वो अंदर जाएगा। अगर आप क्लच अप्लाई करने के बाद, यहाँ पे मैं अभी ऑयल डाल रहा हूँ ना, ये अंदर जाएगा ऐसा, ये जगह और ये दोनों जगह, और यहाँ पे ऑयल डालना ज़रूरी है। ये आप जब भी आपको लुब्रिकेट ठीक से, आपका क्लच लीवर ठीक से नहीं अंदर जा रहा है तो, अंदर नहीं जा रहा है तो यहाँ पे ऑयल लगा के आप लुब्रिकेट कर सकते हैं। और मेन चेन के ऊपर भी आप ऐसा ऑयल डाल के लुब्रिकेट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लच कैम दिखाई दे रहा है ना, यहाँ का एक कैम के ऊपर आप सिर्फ ग्रीस डालना ज़रूरी है, ऑयल मत डालो इसके ऊपर, खाली ग्रीस, थोड़ा सा ग्रीस डालो बस, यहाँ पे लुब्रिकेशन हो जाता है। और रियर ब्रेक केबल के यहाँ पे भी ऑयल डाल सकते हैं। और आप इंजन ऑयल बदलना है तो 5,000 से 7,000 किलोमीटर के बीच में आप बदल सकते हैं। जब 5,000 किलोमीटर जब कंप्लीट हो जाता है ना आपका रीडिंग में, यहाँ पे नीचे एक बोल्ट दिखाई दे रहा है ना, वो बोल्ट ओपन किया तो ऑयल पूरा बाहर निकलेगा। उसके बाद आप वो बोल्ट टाइट करके, ये स्क्रू ओपन करके, इसमें 900 ml इंजन ऑयल, टू स्ट्रोक इंजन ऑयल डालना ज़रूरी है इसमें। और ये ऑयल लेवल स्क्रू है, आप ये स्क्रू ओपन करके इसमें ऑयल डाले तो जब इससे बाहर निकलेगा ना ऑयल, तब ये स्क्रू टाइट करके ये स्क्रू भी बंद रखना है। इसमें कंपनी प्रिस्क्राइब्ड ऑयल का लेवल है 900 ml, वो ऑयल डाल के आप इसका कम से कम 5,000 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद ही आप ये डाल सकते हैं। इससे अलावा कोई ज़्यादा मेंटेनेंस इस गाड़ी में नहीं है, सिर्फ 5,000 किलोमीटर के बाद एक 900 ml का मतलब है 300 या 400 रुपए का ऑयल का खर्चा हो जाता है। वो एक लीटर का ऑयल मिलता है, उसमें से 900 ml इसमें डाल सकते, 100 ml एक छोटा सा डब्बे में डाल के, जहाँ पे जो जो लुब्रिकेशन का पार्ट्स है ना, वहाँ पे डाल के हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा SD गाड़ी में कोई दूसरा मेंटेनेंस चार्ज नहीं है। और एक बात है, ये पेट्रोल फिल्टर है ना, ये 1,000 किलोमीटर कंप्लीट या 2,000 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद ये स्क्रू ओपन किया तो ये शीशा बाहर निकलता है। इसमें जो मैग्नेट दिखाई दे रहा है ना, वो मैग्नेट का ऊपर पूरा जो पेट्रोल टैंकी से निकला हुआ कचरा इसमें जमा हो जाता है, वो पूरा निकाल के थोड़ा क्लीन करके फिर से स्क्रू टाइट किया तो ये पेट्रोल फिल्टर भी फ्री हो जाता है।